नमस्कार लग रहे स्वागत है तुम्हारा मैं उत्तराखंड फैमिली ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग स्टार्टिंग है ना रात्रि 9:30 बजे बेटी। तो आज सबसे पहले आप लोगों की तुलसी एकादशी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार तरफ बेटी। तो आज मम्मी एकादशी व्रत थी और हम लोगों ने सब मम्मी पूजा पाठ कर ली और आज हम लोग इष्ट देवता मंदिर में धूप दीप कर रहे जानी और सब लोग मैं हस्बैंडी चाचा चाची नानी सब लोग और अल्लाह आपकी कत्ती मम्मी तुलसी वगैरह वो चीज आप लोगों को दिखानी। तुलसी मंदिर छो और इतनी तुलसी जी लगाई गई और इतनी पूजा पाठ कर ली। तो बहुत मैं बिजी थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाए आगे आप लोग के आप ले चलो आप इष्ट देवता मंदिर। तो वहाँ हम पूजा पाठ करूँ तो आप लोगों को दिखाऊँ और हम अब दादाजी पूजा करिल और हम सब लोग विद फैमिली वहाँ जानी मंदिर में नारायणा मंदिर सर मैं इष्ट देवता मंदिर। तो हम यहाँ पहुँच चुकी तो सब लोग जूते चप्पल उतारणी तो हमें छुट्टी पूछ पी सा ला रहे था जी गोदी में मैं हस्बैंड जी और हम सब लोग इष्ट देवता मंदिर आप धूप भी पढ़ा रहे और बाहर लग बढ़िया छो तुलसी एकादशी दिन चप्पल बाहर खोलो के लिए और ये छो मैं इष्ट देवता मंदिर और मैं दादाजी यहाँ पूजा करनी आप लोग इंजॉय करो हम पूजा पाठ की। तो ये इसी धूप दीप है यहाँ ओम ऋग्वेदाय स्वाहा यजुर्वेदाय स्वाहा सामवेदाय स्वाहा अथर्ववेदाय नमः 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 भगवान स्वाहा सामवेदाय स्वाहा अथर्ववेदाय नमः ऋग्वेदाय स्वाहा सामवेदाय स्वाहा अथर्ववेदाय नमः भगवान हरि ओम प्रभु हरि ओम हरि ओम हरि ओम ये संदर्भ है हां भगवान Oh,
सब लोग जान भेगी मंदिर, इधर से आओ बच्चों। तो हम कौन मंदिर जाने, अब हम जाने भैरव पर मंदिर, वहाँ धूप दीप जलाना है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ हाँ चलते रहो, चलो आगे को चलो। तो हम सारी पलटन मंदिर में धूप दीप कर रहे हैं, तो आप लोगों की आप लोग ले पाठ पूजा आनंद लियो हमारे साथ, और चलो हमारे साथ मंदिर में। लोग जान भेगी और देख सक जा घर पर सब पलायन हो चुके। इधर कहो बच्चों, इधर तो ठुल ठुल घर जी, सब लोग यहाँ पे ध्यान हैगी, तो घर खंडहर है कगार पर छुयो। तो यही बात छो हमारे मंदिर है जाने। तो अब देखो यहाँ पे तार बार सब बंद है, कहाँ जा जाओ तुम? और मैंने क्या कहा, जाओ आप। हम भैरव देवता मंदिर में पहुंच चुक गई, सब लोग अब मंदिर में प्रवेश कर चुक गए। और मौसम देखोगा तो सुहाना आ रहा, आसमान में बादल, इतने सुंदर सुंदर। काव्या देवी फिर से आ गई हमारी, और यहाँ देखो फसल झूंगर फसल है रहे तो बढ़िया, और बादल तो सुंदर लग रहा हूँ। यहाँ बटी व्यू आप लोग देख सकते हो, पहाड़ों व्यू तो सुंदर छो। और पहाड़ में कुछ इस तरह घर नहीं, पत्थर वाल और कुछ सिलेंडर वाल जी। एक मिनट है बच्चों, मेरे को भी जानना लग सकता है इसको बंद कर। तो इतनी बुआ चाची नीतू सब पूजा पाठ करने लिए चल गई, तो हमला हाथ लगा दिनों। ये हमारे ब्लॉगर पहुंच चुके हैं भूमि देवता यानी भैरव देवता के मंदिर में, और यहाँ कर रहे हैं पूजा। तो आप भी हमारे देवताओं के दर्शन करो। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रखा है यहाँ पे, आपने शायद ही ऐसा मौसम कहीं बाहर शहरों में देखा होगा, आई थिंक नहीं देखा होगा क्योंकि मैं भी इंद्रपुरम में रहती हूँ और वहाँ बिल्कुल भी ऐसा मौसम कभी दिखना मुश्किल ही है। और ये जो मौसम है देखिए कलर भी सेम वही है, और वहाँ का आसमान का कलर धुंध छाई रहती है हमेशा, ना बादल वाइट दिखते हैं ना आसमान, कभी आसमान ही दिखेगा। और यहाँ पर देखिए एकदम ब्लू कलर का एंड वाइट कलर का, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और नीचे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली हुई है। ये है हमारे भैरव देवता, तो अब हम जानी कालिका मंदिर जी। तो भैरव मंदिर पर हम पूजा पाठ कर आ गई, तो मैं चाची और आगे ले लोग जानी, और बाट में पिरू लहरो खूब सारा, थोड़ा सा यह साइड वाला व्यू दिखाते हुए चलो आप लोग। यहाँ देख सकते हैं व्यू बहुत सुंदर है, सौ पेड़ हरी और हरियाली तो तू है नहीं रहे, थोड़ा बहुत है रहे यहाँ। और आगे पलटन जाना हमारे, और चाची मैं, तो इंजॉयमेंट करो आप लोग ले हम ले, और कालिका मंदिर में मिलो आप लोगों के। विष्णु शक्ति ले डाला ले डाला ले डाला, तूने लक्ष्मी का रूप ले, बोलो जयकारा 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 जयकारा, शिरा वाली दा बोलो जयकारा।
कालिका मंदिर पहुंच गई। तो आप लोग यहाँ मंदिर प्रांगण दिखाते हुए चलू मैं। तो यो छो मैं कालिका मंदिर और यहाँ माता कालिका मंदिर माता छू। यहाँ लगे गेट और लग रहा लेकिन घर घर के आप लोग माता दर्शन करा दिखाओ। यहाँ शिव जी और कालिका मंदिर फोटो लागे गणेश जी हनुमान जी दर्शन कराना आप लोगों की। जय हो काली माता। राम सती लेडाला 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 तूने सीता का रूप ले। बोलो जयकारा जयकारा जयकारा। बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी मेरे नर बोलो जय माता दी तेरा। बच्चों आओ पूजा करो। जोतो वाली की जय वैष्णो माता की जय साली माता की जय। नंगे पैर माता रानी के दर्शन करके हमारे साल दे तया और साल दे मार्केट। आप देख सकते कतु सुंदर व्यू छू हमारे आँख और यू बादल। तो हम एल पुज गई तारा नगर कालिका मंदिर बह बेटी। और ये हमारे गांव जाने वाला बाटा गेट पैठाना आदर्श ग्राम पैठाना। और देखो कत तो सुंदर मनमोहक दृश्य छू। और बीच में वहाँ गाड़ छू। और आगे आप देवी मंदिर ले चलो हमारे साथ जो ITI स्कूल। तो हमारे साल दे में सारी सुविधाएं छी। तो हम तुमकी माता रानी दर्शन कराते कराते हम लोग आप लोगों की काफ़ी दूर नहीं लगू। ऊँच छू हमारे नागार्जुन देवता मंदिर जो भैंसगौर बियानी नहीं आना यहाँ से नहीं बियानी। तो यहाँ हम दूध वगैरह चढ़ानू। और यह सड़क देख सकते हो तो सुंदर लग रहा। चलते चलते एक ब्लॉगर हमारे आगे जा रही है नम्रता प्रीति। ये हमारा मूसा जा रहा है मूसा फैमिली ब्लॉगर है हमारी। तो हम पहले ही हमें बाट ईद पे छे ध्रुत में रहे थे। अब हमें सीधा सड़क सड़क जो फिर तुमके स्कूल से मिलो स्कूल में मिलो जहाँ हम सिक्स क्लास में ट्वेल्थ तक पढ़ो। और फिर माता रानी दर्शन करूँ। स्कूल मंदिर वाल गेट में पहुँच गई। तो यहीं बैठी तल स्कूल जाना बाटला छू। और जहाँ हम सिक्स क्लास में थे ट्वेल्थ तक पढ़ो। और आप लोग यहाँ रास्ता दिखाते हुए चलो। और यहाँ हरियाली ना काफ़ी बढ़िया है। तो आज कतु साल बटी हम आपको स्कूल दर्शन कर रहे ने जोन। और आप लोगों के लिए देखूँ और आप लोग हमें साथ हमें स्कूल देख ला। और मंदिर जहाँ हमारे देवी मंदिर छू। और यहाँ देख सकते घा कतु ठुल ठुल रहो। और सावनी ती नहर लगे हैं। और आगे ले चलो आप लोगों की फिर उत्ती मिलू। तो दगड़ियों यो छो मैं स्कूल जहाँ हम सिक्स क्लास बती ट्वेल्थ तक पढ़ रहा। और आप लोग लो देखो हमारे स्कूल जहाँ हम राजकीय इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेज में हम सिक्स में ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ो। आप लोग देखो बिल्डिंग का पहले ताप पूज रहे। और यह तलवती जो नील नील रंगा बिल्डिंग दिख रहे हैं ऊँचू तहसील। और हम पहुंच गए आप देवी मंदिर। तो हम यहाँ स्कूल में पढ़ी थी यहाँ हम खूब खेल छी। तो आप वो दिन याद आने आई थी स्कूल बैठी देख वे। और पहले इतनी पुल बनी नहीं थी तो हम लोग छोटा सा बाट छी। तो इतनी बती हम जा तो 15 साल है गई हमके यहाँ छोड़ी। तो आज का तो परिवर्तन हो गए स्कूल में। तो हम 10th क्लास ये वाल छी सामने। तो यहाँ पढ़ छी और 6th से 8th तक था छी। और ये था मल्ली साइंस रूम। और देख सकते का तो सुंदर व्यू छो हमारे स्कूल तहसील छू। जैसे मैंने आप लोग के दिखा लो ये स्कूल ग्रीन टंकी तलहिता छू तहसील। और अब हम पहुंच गए देवी मंदिर। तो हुलसा देवी मंदिर पैठाना। तो आयुष की घंटी बजाना है हमें। और काव्या सब लोग चल गई मंदिर प्रांगण में। और हम लोग आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। कन्नू दीदी चले गई है घंटी बजा रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऊपर जाते हैं। तो मैं नीचे रहूँगा। और ये कन्नू दीदी आयुषी माता रानी
देवी माता मंदिर पहुँच गई गई हैं, भजन कीर्तन करनी बहुत ज़्यादा, और आपको माता रानी पूरा दर्शन याद करा देगा चारों तरफ। तो हम पहली बार जब स्कूल में पढ़ना चाहिए तो यहाँ मंदिर में थोड़ा देर ध्यान लगाना जरूर चाहिए। तो जो पुराना वाला मंदिर है देवी माता, तो हमारा माता ये अच्छी तो था नई मंदिर में जो माता रानी, और यहाँ मैं तीजू कुछ सुंदर सा आज रखना की मैया मेरी आज रखना, हमको सुहागन सुनाए रखना, मैया हमको सुहागन सुनाए रखना, हाथ मैया के कुंडी सोए आज। ये हनुमान जी का मंदिर है, यह है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, जो हनुमान जी दयादृष्टि ले रखना, और नीतू पूजा करते हुए आयुषी रक्षिता। हमको सुहागन बनाए रखना, मैया के हारों तो है। आज आप सब लोगों के हम सभी देवी देवताओं दर्शन कर रहे ली, और हम सब लोग माता मंदिर पर दर्शन कर बाब घर है और ही निकल लगेंगे, और नीतू भौट गया घर पर फोन आ चुको कि जल्दी जल्दी आओ घर। तो हम अब ब्लॉग की इतनी ख़त्म कर लूँ, अगर आप लोगों की मैं ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मिल लूँ आप लोगों की नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।